हेलो गाइस, वेलकम टू बिहारी भूखर। आज मैं आप लोगों के लिए मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें बाहर का कोई भी सामान ऐड नहीं किया गया है। सबसे पहले मैं एक कटोरी में आधा केजी मटन ली हुई हूँ। इसमें 2 चम्मच दही डाला है। आधा चम्मच हल्दी डाला है। आधा चम्मच नमक डाला है। थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, धनिया पत्ता। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब उसे ठीक से मिलाएं। अब देखिए, ये अच्छी तरह से मिल गया है। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट डाला है। उसे भी ठीक तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाला है और मटन पाउडर डाला है, उसे भी ठीक से मिला दें। थोड़ा सा तेल डाला है ताकि मैरिनेट होने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसे हम 1 से 1.5 घंटा छोड़ देंगे। अब देखिए, इसके लिए मसाला तैयार किया है। प्याज, धनिया पत्ती, जीरा, मिर्च। यहाँ मैं कढ़ाई गर्म करने के लिए चढ़ा दी हुई हूँ। देखिए, अब इसमें तेल डाला, तेल भी गर्म हो गया है। जीरा डाली हूँ, 4 मिर्च डाली, 2 तेजपत्ता डाला, उसे थोड़ा रेड होने दिया है। फिर प्याज डाला। इसे हम भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक लाइट ब्राउन कलर का प्याज नहीं हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ प्याज तैयार हो चुका है मटन में डालने के लिए। इसे निकाल लें। अब फिर से यहाँ थोड़ा सा उसमें अब चावल को डालें और भूनें। थोड़ा सा नमक डालें, उसे अच्छे तरह से भून के निकाल लिया है। अब फिर तेल डाला है कैन में, फिर प्याज डाला है। मैं मटन बिरयानी के लिए ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए प्याज डायरेक्ट डाल के भूना है, क्योंकि पहले से मटन में सारा मसाला डाला हुआ था। अब थोड़ी देर के बाद मैंने मटन उसमें डाला है और साथ साथ उसे हम भूनेंगे। धीरे धीरे उसमें से तेल छूटेगा, क्योंकि मैंने दही डाला था, उस वजह से उसके अंदर का तेल अच्छी तरह से सूखेगा। इसे धीरे धीरे ऐसे ही चलाते रहें ताकि ठीक से मटन भुना चले जाए। इस मटन बिरयानी को बनाने में मैंने बाहर से कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया हुआ है। अब देखिए, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पीसी हुई वो डाला है मसाले के तौर पे। अब देखिए, धीरे धीरे ये भुनाता चले गया। जब ये ठीक तरह से भुना चले जाए तो फिर हम इसमें 2 कप पानी ऐड किए हैं। देखिए, अब ये बुलबुला छोड़ने लगा और इसमें धीरे धीरे मटन का जो कलर होता है वो आने लगा। इसे धीरे धीरे नॉर्मल टेम्परेचर पे सिझाएंगे। अब देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें मटन मसाला ऐड किया है, उसके बाद फिर उसे अच्छे से मिला दिए हैं। इसे 60% तक सिझाना है। अब देखिए, हम इसे कुकर में डाले हैं। जैसे लेयर डाला जाता है बिरयानी का, ठीक उसी तरह सबसे नीचे मटन डाले हैं, फिर उसके ऊपर से 1 लेयर चावल डाले हैं, फिर उस पे प्याज का, देखिए प्याज से सजाए हुए हैं,
हर एक जो भी चीज़ प्याज में डाला गया था सब चीज़ डाले, धनिया पत्ती डाले। अब एक पे एक लेयर, दो तीन लेयर मैंने डाला है। फिर से मटन का डाला, इसको अच्छी तरह से फैला दिए हैं। अब देखिए ये दूसरा लेयर चावल का डाला है मैंने, दूसरा लेयर तैयार हो गया है। अब देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं चावल के हिसाब से पानी डाली हुई हूँ। केजी चावल का यूज किया हुआ था उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है। देखिए अब कुकर और बिरयानी तैयार है। और बताएं कि हमारी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।